हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो जिस चीज़ का डर था फाइनली वही हुआ है। बोर्ड ने अपना काम धीरे धीरे किया और आचार संहिता लग चुकी है और बहुत सारी चीज़ें अटक गई है। ख़ासतौर से बेरोजगार युवा जो नई भर्तियों की तैयारी कर रहे थे या नई भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो बुरी खबर रही है यह आचार संहिता। क्योंकि बजट में जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा थी, उनमें से कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। हालांकि बहुत सारी भर्तियों में स्वीकृति मिल गई है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, पटवार भर्ती को लेकर भी, टीचर की भर्ती को लेकर भी। ठीक है, तो जो उनका इंतजार कर रहे हैं वो ज़्यादा उदास नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं है, 2 महीने का टाइम है। 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा चुनाव का भी, तो तनाव नहीं लेना है। अब मेन बात रीट भर्ती के लिए, ठीक, खास तौर से। अब रीट भर्ती में बहुत सारे पद खाली रहे थे, आपको पता है, तो एक एक करके सारी जो नई अपडेट है उनके बारे में। पहली बात तो ये कि जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो टेंशन ना लें कि आचार संहिता में उनकी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। सचिव जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है, जो चुनाव आयोग से परमिशन लेगा कि नियुक्ति दी जा सकती है और उनको नियुक्ति मिल जाएगी, तो उनको तनाव नहीं लेना है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि पहले जितना स्पीड के साथ हो रहा था, शायद उतना स्पीड के साथ अभी ना हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अटकेगी नहीं चीज़ें, आपको नियुक्ति मिल जाएगी। अब नई अपडेट जो प्रोविजन लिस्ट जो है उसके लिए, और जो रिक्त पद रहने वाले उनके लिए, अभी जो मीटिंग हुई थी या बोर्ड सचिव या कर्मचारियों के साथ जो बातचीत हुई है, उनके आधार पर उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, कि 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो हम सारा रिजल्ट निकाल देंगे। सारा का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोविजन लिस्ट और जो रिक्त पद बचे हैं लेवल 1 में और लेवल 2 में, उनका 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे। हालांकि कहा तो यही है, देखते हैं कि क्या करता है, लेकिन एक बात तय है कि रिजल्ट जो आएगा वो क्रम वाइज आएगा। क्रम वाइज कैसे, सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो प्रोविजनल लिस्ट में जिन जिन बच्चों के नाम हैं जो प्रोविजनल लिस्ट में आए थे, सबसे पहले उनका रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, रिक्त पदों पर पहले नहीं आएगा। हालांकि हर सब्जेक्ट की एक एक सूची आ चुकी है, L1 की तो 2-3 सूची आ चुकी है, लिस्ट आ चुकी है रिजल्ट की, लेकिन सारे बच्चे अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। तो पहले तो आएगा प्रोविजन लिस्ट में जो बच्चे हैं उनके लिए आएगा। साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे। L1 में तो सारे बच्चों की आ गई होंगे रिजल्ट जिनका कट ऑफ से ज़्यादा थे। L2 के अलग अलग विषय में भी बच्चे हैं जिनका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा था, तो उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब दो इसी में साथ में आते हैं स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे थे, ठीक है, खेल प्रमाण पत्र जो था, एक तो वो बच्चे और एक वो विद्यार्थी जिन्होंने दूसरे स्टेट से यानी अदर स्टेट से जिन्होंने डिग्री ले रखी थी, उनकी जांच अब जोरों पे शुरू हो गई है। अभी 11-12 अक्टूबर से प्लान था कि भी जांच शुरू हो जाएगी, और ये 20 तारीख तक, लगभग मान के चलिए कि 20 अक्टूबर तक जो है वो बच्चे जो स्पोर्ट्स से हैं एंड खेल वाला सर्टिफिकेट जिनके पास में है, या वो विद्यार्थी जिन्होंने अदर स्टेट से दूसरे राज्यों से जिन्होंने डिग्री ली थी, उनकी जांच का काम है जोरों पे चल रहा है। अलग अलग समितियों को गठन किया गया है और वो चेक करने के लिए गई है, तो लगभग चांसेज है, उनकी न्यूज है कि 20 अक्टूबर तक वो सारी चेक हो जाएंगे। जैसे उनकी जाँच हो जाएगी और जो जो विद्यार्थी इनमें पात्र पाए जाएंगे उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोविजनल में आते हैं, तो उनका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, 20 के मान इस महीने में मान के ये चलो कि प्रोविजनल वाले सारे निपट जाएंगे, और अगले महीने में शायद जहाँ तक संभावना है कि जब प्रोविजनल लिस्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में 2 चीज़ें होगी। एक तो इस प्रोविजनल लिस्ट में जो बच्चे अपात्र रहे हैं यानी जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए हैं या सर्टिफिकेट सही नहीं है, प्लस में जो मूल रिक्त पद हैं, क्योंकि अभी भी हर में लेवल 1 में भी और लेवल 2 के हर सब्जेक्ट में बहुत सारे पद जो हैं खाली, उन पदों पर एक सूची जारी होगी, और जब वो सूची आएगी तो उसमें हर सब्जेक्ट में कट ऑफ डाउन जाएगी आपकी। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का है, L1 में शायद ये 1 नंबर 1.5 नंबर और ज़्यादा ही अपात्र बच्चे मिल जाए तो 2 नंबर तक जा सकती है। किसी किसी सब्जेक्ट में जब पोस्ट कम है वहाँ पर 0.50 तक, 0.40 तक, कुछ सब्जेक्ट में 0.80 0.90 तक चली जाएगी, जैसे इंग्लिश है तो बहुत सारे हैं, SST। इसके बाद में देखो, ये तो प्रोविजनल लिस्ट है, ये सारा जो कर्मचारी बोर्ड के जो अधिकारी है उन्होंने कहा है, उनकी बात है कि 1 महीने में इतना सारा रिजल्ट हम सारे के सारे निकाल देंगे। इसके बाद में आएगी वेटिंग लिस्ट जिसमें टाइम लगेगा। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी,
तो वेटिंग का देखो रूल तो ये होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है 6 महीने तक वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं, तो ये फरवरी या मार्च तक मान के चलिए। लेकिन ये भी डिपेंड करती है इस लिस्ट पर, क्योंकि जितना जल्दी प्रोविजनल का रिजल्ट आएगा, जितना जल्दी जो अपात्र बच्चे हैं जो खाली सीटें उन पर रिजल्ट आएगा, उतना ही जल्दी वेटिंग वाला आएगा। जितना ये लेट होगा वेटिंग उतनी ही लेट होगी, क्योंकि वेटिंग का तो ये है ना कि अभी ज्वाइनिंग हो रही है उनमें कौन कौन से बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी मैंने आज ही एक न्यूज पढ़ी थी, शायद दैनिक भास्कर में थी, कि बोर्ड ने जो है वो सूची मंगाई है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है कितने ने नहीं किया, वो लिस्ट दो कि कितने बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो अभी का हो जाएगा, एक इसके बाद में जो प्रोविजन लिस्ट आएगी और जो रिक्त पदों की सूची आएगी उनमें जब ज्वाइनिंग होगी तो उनमें कौन कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है उन सब की सूची मंगाई जाएगी और उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। तो अनुमान है कि फरवरी मार्च तक आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, उससे पहले वेटिंग लिस्ट का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मेन चीज ये है कि जो बच्चे कुछ पॉइंटों में है, जो जो विद्यार्थी कुछ पॉइंटों में रह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा सुविधा ये है कि अगर वो थोड़ा सा और प्रयास करें, हालांकि मैंने पहले भी अलग अलग वीडियो में बोला था कि थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले थोड़ा प्रयास करेगा ना तो चीज़ जल्दी हो जाएगी, नहीं तो लटक जाएगी। वही वाय फाइनली जो जिसका डर था, तो अभी भी अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, क्योंकि भर्ती अभी चल रही है इसमें आचार संहिता का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रक्रियाधीन भर्ती है, नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाएगी। मेन मुद्दा यहाँ पर रिजल्ट निकाल का है कि इतनी जल्दी लिस्ट जारी करें, तो इसका थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए कि जल्दी से जल्दी प्रोविजन वाले बच्चे क्लियर हो जाए और प्रोविजनल होते ही उनमें जो अपात्र हैं और जो मूल पद जो अलग अलग सब्जेक्ट में जो सीटें खाली रखी गई है उन पर एक लिस्ट और जारी कर दी जाए, ताकि जो कुछ पॉइंटों में या कुछ नंबर से जो बच्चे रहे हैं उनको राहत मिले, उनको सुकून मिले, क्योंकि सारे के सारे तनाव में टेंशन बैठे कि हमारा क्या होने वाला है। हालांकि आएगा तो ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कुछ पॉइंटों से बच्चे हैं उनका प्रोविजन लिस्ट के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मेन बात यहाँ पर है कि कितना जल्दी आए, क्योंकि इंतजार है ना लंबा होता जा रहा है, और जब आप कुछ पॉइंटों से हो तो आपको लगता है कि हाँ होने वाला है, लेकिन कब, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक यकीन नहीं होता, सुकून नहीं मिलता। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है और आप लोग प्रयास कर लीजिए साथ ही मिलके। ठीक है, आपने ज्वाइन करके तो ठीक है, नहीं करा कहीं किसी भी माध्यम से आवाज़ उठाइए आप, लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी है ताकि बोर्ड थोड़ा सा ध्यान दे। ये भी तो एक डर है कि बोर्ड के जो सदस्य हैं जो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको कहीं चुनाव की ड्यूटी में ना लगा दिया जाए, वो भी एक समस्या है, क्योंकि ऐसा होता है तो काम और धीरे हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव वाला भी ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं है, तनाव नहीं लेना है, अक्टूबर ऑलमोस्ट चला गया है, 2 महीने बचे नहीं है, 3 दिसंबर को जो है वो रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 महीने की बात है, ये भी जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इसी प्रक्रिया के दौरान बीच में चीज़ें हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी अतिरिक्त विषय के लिए, एडिशनल विषय जिनका था उनकी, देखो फिलहाल मेरे पास कोई नई अपडेट या कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मैं अपना बताऊं जो मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही है, ये नहीं जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हो, मुझे लगता है कि अतिरिक्त विषय वालों को थोड़ा सा और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली बार डिपार्टमेंट शायद इस मूड में है कि हम रिस्क नहीं लेंगे उन्हें ज्वाइनिंग दे के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो डिसीजन आने वाला है और ये डिसीजन कोई छोटा मोटा नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से बोर्ड इस बार इंतज़ार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दे, उसके बाद में ही जो अतिरिक्त विषय है उनका रिजल्ट निकालेंगे या उनको ज्वाइनिंग देंगे। बाकी ये भी हो सकता है कि भी वो लिखवा कर ज्वाइनिंग दे दें, जैसे 2018 में ज्वाइनिंग दी गई थी उसी आधार पर इस बार भी दे दें, लेकिन मुझे लग रहा है, हालांकि सुप्रीम जो एडिशनल सब्जेक्ट का जो डिसीजन था वो पेंडिंग ही है, अभी भी 6 से 8 के बीच में शायद सुनवाई होने वाली थी लेकिन कोई ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं है। अगर नई डेट मिली है तो मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है, होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अतिरिक्त विषय वालों को थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप तनाव मत लीजिए, अगर आप खेल वाले से हैं या अदर स्टेट से आपकी डिग्री है उसका अगर आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर राहत मिलने वाली है, आपका रिजल्ट आने वाला है। बाकी इतनी मेरे पास न्यूज़ थी जो मैं आपको दे दी है। और राजस्थान पुलिस के लिए आपको पता ही है आपका फिजिकल है वो शुरू होने वाला है 26 तारीख से। ठीक है, और उसकी भी टेंशन मत लीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, 26 से होने वाला है ये शुरू, और 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं सारे के सारे उसमें जाएंगे, फिजिकल में जाएंगे, और फिर एडमिट कार्ड आने के बाद में ही पता लगेगा कि कितने बच्चों के लिए हो रहा है। और जूनियर अकाउंटेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी जोरों शोरों पर कर दीजिए, क्योंकि आपकी 15 गुना लिस्ट अभी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो कर दीजिए लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ में, और फिर मिलते हैं, कोई भी नई जानकारी हुई तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।